दक्षिण भारत कर्नाटक में बीते दिनों हिजाब को लेकर उपजे विवाद को लेकर और साथ ही छात्राओं पर हो रहे लगातार शैक्षणिक हमले के खिलाफ SFI द्वारा सेक्टर 6 में प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने अपनी आवाज में तल्खियत दिखाते हुए पुरजोर विरोध किया और न्याय की मांग करी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कर्नाटक से शुरू हुआ कि वहाँ की लड़कियों को हिजाब की वजह से अंदर तक नहीं जाने दिया, उन्हें बाहर रोक दिया गया। उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि सिर्फ एक जगह की बात नहीं है ये कि वहाँ हुआ है तो कहीं और नहीं होगा, ये हर जगह में हो सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी आई हुई है जो हर जगह हमें टारगेट कर रही है लड़कियों को कि वो कैसे पीछे हों, शिक्षा को हासिल ना कर सके और लड़कियों को रोकने की कोशिश कर रही है। अगर हमें हिजाब के साथ हम कंफर्टेबल है कि हम इसके साथ निकल के अपनी शिक्षा को कंप्लीट करना चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं, तो वो हमें इजाज़त देनी चाहिए कि हम अपने हिजाब के साथ उस एजुकेशन को कंप्लीट करें, उस पढ़ाई को कर सकें। तो इसके लिए मैं सबसे गुजारिश करूँगी कोर्ट से भी और सरकार से भी कि लड़कियों को हिजाब के पाबंद ना लगाएं, बल्कि ये सोचें कि हिजाब के साथ अपनी पढ़ाई कैसे कम्प्लीट कर सकती है और इस देश का नाम कैसे रोशन कर सकती है। तो बस यही गुजारिश है कि हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी और हमारी जो शिक्षा है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने की इजाज़त दे और ना रोके ना किसी को कि नहीं आप इस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि हिजाब कोई ऐसा कपड़ा नहीं है कि मतलब कोई पाबंदी करे। ये हमारी हमारी सोच है, हम इसमें कम्फर्टेबल हैं तो हम पहन रहे। अगर कोई और नहीं पहनना चाहता है कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। और जो हमारी मर्जी है, अगर हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम कोई सा भी कपड़ा पहन के अपने देश में रह सकते हैं, तो हिजाब में क्या नुकसान है। इसलिए हमें हिजाब पहन के हमारी पढ़ाई मुकम्मल करने दें, यही गुजारिश है।